ओम शांति। जब से मालूम होता है आज के दिन का क्या अभ्यास रहेगा, किस बात पर अटेंशन देना है, स्मृति रहेगी तो स्वरूप में भी परसेंटेज बढ़ती जा रही है। और स्मृति का स्वरूप में सबसे पहले अपनी वृत्ति शुद्ध होती जा रही है, उसमें स्नेह, सबके प्रति सद्भावना। तो जितना स्मृति में ऐसी भावनाएं होंगी, उतनी वृत्ति में फिर दृष्टि से भी दिखाई पड़ते हैं। दृष्टि भी बहुत काम करती है। आज जितनी भी देवियां हैं उनकी दृष्टि से ही कितना सभी का मन वो आकर्षित करती हैं, मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो हम बच्चे भी तो इस समय पर बाबा हमें देवता बना रहे हैं, तो देवताओं का स्वभाव, लक्षण, स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे ही रहा है। तो स्मृति में स्वरूप लाने के लिए दृष्टि, फिर हमारे वचन। तो बाबा ने कल भी कहा कि बच्चे जो भी बोल बोलो वो वरदानी हो। हमारी दादी ये दो ही शब्द कहती थी, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो मुझे याद है कि कई एक बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन था, उसने बहुत बातें बताई, तो दादी ने कहा अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो बाहर निकला, बोला बस कुछ और तो बताया ही नहीं। पर वो जब गया उसने सब ठीक हो गया, ठीक होता जा रहा है, क्योंकि वरदान ही बोलते ना। तो हम सभी को भी वरदानी आत्माएं बनना है, तभी तो कल्याणकारी बनेंगे। अपने प्रति, स्वयं को भी और दूसरों के प्रति, परिवार और विश्व के प्रति भी सदा कल्याण की भावना, कल्याण के बोल और कर्म भी ऐसे ही करें। दादी जानकी हमारी, उनको बहुत आता था बैठे बैठे कोई बहुत अच्छी पॉइंट निकलती थी, इसकी बुकलेट बनाओ, सबको दो, लिखवाओ सबको दो। हर क्लास दादी लिखवाती थी, चिट चैट लिखवाती थी, फिर जो वहाँ बहनें होती थी सबको भेजो, सबको भेजो। तो कल्याण की भावना फिर कर्म में भी दिखाई पड़ती है। और उनको ये नहीं था कि मेरा नाम हो, प्रचार हो या नहीं, उनको लगता था ये तो कितनी अच्छी बात है, सबको मालूम होनी चाहिए। तो ऐसे स्मृति से स्वरूप में आते आते सिद्धि क्या प्राप्त हुई, क्योंकि आपको उसकी प्राप्ति हुई, तो आपके संकल्प, आपके बोल, आपकी दृष्टि से हर प्रकार की सिद्धि, अर्थात सब कुछ सिद्ध होता जाएगा, प्रत्यक्ष होता जाएगा। तो हम लोग इसके आगे फिर जब इस तरह की भावनाएं होंगी, तो पवित्रता का जो स्वरूप है, देखो हम सभी को पवित्रता बाबा ने वर्षे में दी है, मेहनत नहीं करनी पड़ी। नहीं तो देह अभिमान, पवित्र जीवन कोई साधारण बात नहीं। ऋषि मुनि तपस्वी वो तो दिखाते हैं, उनके लिए भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज हम बाबा के इतने बच्चे सारे विश्व में कमल पुष्प समान, गुलाब के रूहानी गुलाब के समान पवित्र रह रहे हैं। और केवल ये पवित्रता कर्म की नहीं है, मनसा वाचक उससे भी ऊंची है, वो है हमारे को पतित पावन बाबा जो सदा पवित्र हैं। वो हमें हमारे अनादि और आदि स्वरूप की जो पवित्रता है, आप सोचिए कि अनादि स्वरूप की जो पवित्रता है, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अंश मात्र भी विकार नहीं है, सदा ही स्नेह से
शांति से, प्रेम से, आनंद से, सब गुणों से आत्मा भरपूर है। तो पवित्रता के साथ साथ जो संपन्नता है उसका अनुभव भी अनादि स्वरूप से होगा। अनादि स्वरूप में जो बीज रूप स्थिति है उसमें हम संपन्न है, भरपूर है, और तभी तो फिर आदि स्वरूप, दिव्य स्वरूप, दैवी गुणों वाला स्वरूप वो इमर्ज होता है। तो बड़ा सुंदर है, जैसे बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता, योदा से फरिश्ता नहीं बनेंगे, पहले ब्राह्मण बनना होता है फिर फरिश्ता होता है। तो आज बाबा ने, बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे युद्ध के संस्कार मत रखो। सिद्ध युद्ध होता है मतलब सिद्ध होता है, जिद और सिद्ध, जिसको जिद होती है वो हर एक बात सिद्ध करता है। हाँ, हम तो कभी नहीं सिद्ध करते हैं, जो सत्य है वो है ही है ना। तो जिद और सिद्ध वो सिद्ध नहीं, लेकिन जो सत्य है वो तो सिद्ध है ही ना। सत्य को क्या प्रत्यक्ष करेंगे, सत्य तो सत्य ही है। हाँ, कोई स्वीकार करता है कोई नहीं करता है, पर हम तो समझते हैं ना कि ये तो सत्य ही है। तो हमारी सत्य चित आनंद स्वरूप की जो पवित्रता की अनादि रूप और आदि रूप की स्थिति, सत्य चित आनंद, जहाँ सत्य है वहाँ चेतनता है, एक तरह की हमेशा अवेकनिंग रहती है, और वो आनंद स्वरूप में है, दुख सुख से न्यारा, मान अपमान, निंदा स्तुति, तो ड्रामा का खेल है, चलता है। मुझ आत्मा को तो न्यारा रहना है। तो मेरा अभ्यास, अटेंशन आज के दिन रहेगा कि मैं एक पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। दिन में 8 बार करेंगे, सवेरे शाम करेंगे, जितना हो सके निरंतर करेंगे, तो स्मृति से स्वरूप और स्वरूप से सिद्धि की प्राप्ति का अनुभव होगा। ओम शांति।